IMF इक्तिसादी जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 से 18 मार्च तक वजारत खजाना, स्टेट बैंक, तवनाई और FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। बातचीत का शेड्यूल तैयार। आखिरी किस्त में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है। गैर मुल्की मौशी जरीदे ने मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना के लिए मौजू करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने लिखा, मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती नेक शगुन है। वो दरपेश चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखते हैं। IMF से मुजाकरात में उनका कलीदी किरदार होगा। मैगजीन के मुताबिक नए वजीर खजाना रियल इस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं। निजकारी में SIFC की मुआवनत करेंगे। कर्ज अदायगी और जारी अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। कर्जों से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। वजीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। वजारत आमदन पर बोले कि 80% कर्जे पिछली हुकूमत ने लिए। मुआशी तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा। CPAC के तमाम मनसूबे बर वक्त पूरे करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कई मनसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुँच सके। पॉलिसी के तसलसल के बगैर तरक्की नामुमकिन है। सिंध काबीना के 10 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने काबीना के अरकान से हल्फ लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत। अजरा पेचूहू, शर्जील इनाम मेमन, सैयद गनी, सरदार शाह ने हल्फ उठाया। जिया लंजार, जाम खान चोरो, नासिर हुसैन शाह ने हल्फ उठाया। अली हसन सरदारी, सरदार बख्श महर और जुल्फ़िकार शाह ने भी वज़रा में शामिल। बाबल भैयो और एहसान मजारी के भी हल्फ बरदारी में शिरकत। सदर आसिफ सरदारी की मनसब संभालने के बाद पहली बार कराची आमद। मज़ार क़ायद पर हाजिरी, गुलदस्ता रखा, फातिहा खाने की मेहमानों की किताबों पर तासरा दर्ज किए। सदर मुमलिकत कल चक्कर और लाड़काना जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी देंगे। सदर आसिफ सरदारी का कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला। तनख्वाह नहीं लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तनख्वाह ना लेने का ऐलान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।